बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है, दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर बड़ी कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी जिनपैक्ट है, वहां के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ने खुदकुशी कर ली है। माना जा रहा है कि मीटू के आरोपों के बाद एवीपी स्वरूप राज ने जान दे दी है। हालांकि यौन शोषण के आरोपों के बाद खुदकुशी करने वाले एवीपी ने सुसाइड नोट भी लिखा है। उनकी पत्नी से भी बातचीत हुई है। कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्वरूप राज ने 18 दिसंबर की रात अपने नोएडा के इस घर में खुदकुशी कर ली। नोएडा के सेक्टर 137 के इस अपार्टमेंट में अपनी पत्नी कृति के साथ स्वरूप रहते थे। जब देर रात कृति दफ्तर से वापस लौटी, जो कि उसी दफ्तर में काम करती हैं जहां स्वरूप करते थे, तब घर का दरवाज़ा नहीं खुला। और जब पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि स्वरूप इस पंखे से यहां पर लटके हुए थे। स्वरूप ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। फौरन ही पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू करी। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे स्वरूप की, ये तस्वीर है जो अपनी पत्नी के साथ नोएडा के इस फ्लैट में रहते थे। 2007 में स्वरूप ने जिनपैक्ट को ज्वाइन किया था और उसके बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे थे। 2 साल पहले उनकी शादी अपने ही दफ्तर में काम करने वाली कृति के साथ हुई थी और दोनों दफ्तर में काम करते थे। कृति और इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी, दोनों साथ जाते थे और अचानक उस दिन दोपहर में ही स्वरूप वापस चले आए और एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी आरोप इनके ऊपर कंपनी ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है और अगर उनको इस पूरे मामले में क्लीन चिट भी मिलती है तो वो दफ्तर में वापस दोबारा नहीं जा पाएंगे, उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले में दफ्तर की दो लड़कियों ने स्वरूप के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे। 18 तारीख को बताया जा रहा है ये आरोप लगे थे और 18 ही तारीख को स्वरूप को इस पूरे मामले में सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया था और दोपहर को ही उनको घर वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद शाम को ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने इस फ्लैट में खुदकुशी कर ली है। स्वरूप की पत्नी का आरोप है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कंपनी जिम्मेदार है, जिन्होंने बिना जांच किए, बिना तस्दीक किए इस पूरे मामले में सस्पेंशन लेटर दे दिया और बिना किसी से बात किए इसको उन्होंने अपने दफ्तर से निकाल दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है, लेकिन आरोप बहुत ही संगीन लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव चिराग गोठी और भूपेन चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा।